हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप लोग जो मिलेट के बारे में जो मैंने जानकारी दिया था उसे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हैं और आप लोगों को बहुत हेल्प हो रहा है उस वीडियो से। अभी और मैं उसका एक अच्छे से वीडियो लेके आऊँगी जिसमें कुछ कन्फ्यूजन है आप लोगों का, वो जल्दी से दूर हो जाएगा। तो आज मैं एक मिलेट की रेसिपी लेके आई हूँ, इसे आप जरूर इसे आप बनाकर खाइएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसे आप चाहे तो सवेरे नाश्ता के भी लिए बना सकते हैं फ्रेंड्स और खा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और 5 सिरदाने मिलेट है तो डेली एक एक मिलेट को आप ऐसे बनाकर भी आप खा सकते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, ध्यान से देखिए और इसे बनाइएगा, क्योंकि हम लोग भी इसे सवेरे नाश्ते के रूप में इसे बनाकर खाए हैं और हमें भी बहुत अच्छा फायदा हुआ है। तो आप जरूर इसे ट्राई करके देखिएगा और अपना रिजल्ट मुझे बताइएगा। और ये इस सिरदाने मिलेट का मैं लिंक नीचे दे दी हूँ, आप चाहे तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इजिली आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ कुटकी मिलेट, तो कुटकी मिलेट का मैं आज बनाने जा रही हूँ दलिया के रूप में। इसे हम दलिया के रूप में या फिर अम्बली के रूप में या फिर सिंपल चावल या फिर इडली डोसा जैसे भी खा सकते हैं, पर ये दलिया जो होता है बहुत सरल होता है बनाना। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे आपको कल बनाना है तो आप आज एक दिन पहले इसका तैयारी कर लीजिए, रात को या फिर शाम को। तो इसके लिए एक लोहे का कढ़ाई ली हूँ, उसमें मैं एक कप जो कुटकी मिलेट जो होता है उसे मैं यहाँ पर हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ, हल्का सा भून रही हूँ। बस 2-3 मिनट हमें भूनना होता है, उससे क्या होता है जो दलिया जब हम बनाते हैं तो अच्छे से पक जाता है, इसलिए इसे हम हल्का सा पहले ऐसे भून लेते हैं। इस मिलेट के जगह पे आप कोई भी मिलेट ले सकते हैं, फॉक्सटेल मिलेट ले सकते हैं, या फिर आप जो सिरदाने का मिलेट है कोई ब्राउन टॉप और भी जो मिलेट है कोई भी मिलेट आप ले सकते हैं। जिस मिलेट का आपको बनाना है उसे आप ले सकते हैं, या फिर चाहे तो आप 5 दिन में एक एक मिलेट को ऐसा बना सकते हैं। तो बहुत ही सरल है ये वाली विधि। और इसे हम हल्का सा जब भून लेंगे उसके बाद इसे हम थोड़ा देर ठंडा होने देते हैं मिलेट को। तो ये जो मिलेट होता है इसका छिलका निकला हुआ मिलेट है, और अगर छिलका है मिलेट में तो आप उसे हल्का सा ग्राइंड करके उसका छिलका अलग कर सकते हैं। जब ये मिलेट हमारा ठंडा हो जाएगा, देखिए मैं इसे प्लेट में डाल दी हूँ, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे थोड़ा सा मतलब धो लेंगे। तो देखिए ठंडा हो गया है, अब मैं यहाँ पर पानी डालकर इसे धो देती हूँ। तो जब भी आप मिलेट को धोते हैं तब उसे जब पानी को हम जब निथारते हैं तो कोई भी छन्नी डाल के आप निथारिए, क्योंकि मिलेट का जो दाना है एकदम छोटा छोटा होता है और अगर हम छन्नी से नहीं निथारेंगे तो मिलेट जो है नीचे गिर जाता है। इसीलिए कभी भी आप मिलेट को धोते हैं फिर धोने के बाद जब उसे हम पानी को जब अलग करते हैं तो कोई भी छन्नी की सहायता से आप अलग कीजिए, जैसे चाय छन्नी या फिर और कोई भी छन्नी, तो मिलेट जो है वो उसमें आ जाता है और हमारा मिलेट जो है वेस्ट नहीं होता है। तो इसे एक पानी दो पानी आप धो लीजिए, वैसे मिलेट देखिए साफ़ सुथरा है तो एक ही पानी मैं धोई हूँ। अब हम मिलेट को, अगर आप चाहे मिलेट को और छोटा छोटा जैसे सूजी टाइप से आपको करना है तो आप मिक्सी में से हल्का सा चला दीजिए, मतलब 1-2 सेकेंड चला दीजिए, मतलब एक बार या दो बार ऐसे घुमा दीजिए, और नहीं तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही बना सकते हैं। तो मैं आपको सूजी टाइप से बनाकर कैसे करना है ये आपको थोड़ा बता देती हूँ, अगर आपको लगता है तो आप ऐसा बना लीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे ही खड़ा खड़ा जो दाना है वैसे भी बना सकते हैं, दोनों में ही पक जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो सूजी में अगर आपको बनाना है थोड़ा सा मिलेट को तो हम इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में, एकदम आपको चिकना नहीं बनना पीसना है, हल्का सा ग्राइंड करना है, मतलब एक बार ऐसे थोड़ा सा देर चला के आपको बंद कर देना है, मतलब 1 सेकेंड। तो थोड़ा सा पानी डाल के, हल्का सा पानी डाल के मैं चला रही हूँ क्योंकि सूखा में चलेगा नहीं। तो देखिए हल्का सा बस चलाई हूँ, हल्का सा सूजी टाइप से टुकड़ा टुकड़ा बस हमें करना है थोड़ा, और ये टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। अब इसे हम खाली कर लेते हैं एक बर्तन में। और मिलेट को जब भी आप भूनते हैं तो ध्यान रखिए लोहे का कढ़ाई या फिर मिट्टी का बर्तन यूज़ कीजिए, क्योंकि लोहे का कढ़ाई और मिट्टी का बर्तन ही ज़्यादा अच्छा होता है मिलेट के लिए। बिल्कुल भी एल्यूमिनियम का बर्तन बिल्कुल यूज़ ना करें, तभी तो आपको 100% इसका फ़ायदा मिलेगा, वरना फ़ायदा 100% नहीं मिलेगा आपको। तो आप ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, मिलेट को हमेशा मिट्टी के बर्तन में ही पकाना है। तो इसे मैं ढक कर रख दी हूँ, तो इसे हमें रात को ढक के कम से कम 8 घंटे हमें ढक कर रखना है। अगर आपको सवेरे बनाना है तो रात को तैयारी कर लीजिए, और शाम को बनाना है तो सवेरे तैयारी कर लीजिए। 8 घंटा कम से कम आपको भिगाना है मिलेट को, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए आप। अब इसके बाद चले, अब सवेरे मैं इसको बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो जब इसे आपको बनाना है तो कोई भी मिट्टी का बर्तन ले लीजिए,
या फिर आप लोहे का बर्तन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बना रही हूँ, तो मिट्टी का बर्तन ले ली हूँ और मिलेट को जो मैं डुबा के रखी थी उसका जो पानी था उसी को पहले मैं यहाँ पर डाल दी हूँ। और आपको जो भी सब्जी का पसंद है वो सब्जी आप थोड़ा थोड़ा मात्रा में ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं जो मेरे पास जो भी सब्जी अवेलेबल था वो सब सब्जी ले ली हूँ। आप जो सब्जी पसंद करते हैं आप वो ले सकते हैं। अगर जैसे कि गाजर का दिन है तो गाजर, मटर, शिमला मिर्च, आलू, गोभी, जो सब्जी आपके पास है वो सब आप ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा। तो जो भी सब्जी मेरे पास था वो मैंने ले लिया है। जैसे हम दलिया और खिचड़ी में जो जो सब्जी डालते हैं ना, वैसे ही आपको जो सब्जी आपको खाना है वो आप सब सब्जी इसमें डाल दीजिए। अब उसके बाद थोड़ी देर जब ये गर्म हो जाएगा पानी, तब हम यहाँ पर मिलेट जो हमने धो के रखा है उस मिलेट को डाल देंगे। तो पहले मैंने मिलेट के पानी को यहाँ पर डाल दिया था, उसके बाद मिलेट को मैं डालूँगी यहाँ पर। तो इस बात को आप ध्यान रखें, मतलब मैं पानी, जैसे आप सोच रहे होंगे पानी कलर ऐसे कैसे दिख रहा है, तो वो मिलेट का ही पानी है जो रात भर हम लोग पानी में जो डुबा के रखे थे वो। अब मिलेट को मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। और ध्यान रखिए इसमें आपको पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा पकने के लिए। जैसे हम एक कप अगर हमारा मिलेट है तो कम से कम 12 से 15 कप पानी आपको यहाँ पर लगेगा। तो इसके लिए आप कम एक साइड में पानी को गर्म होने रख दीजिए, या फिर आप एक गर्म पानी केटली वगैरह है तो उसमें आप गर्म कर लीजिए, क्योंकि हमें बीच बीच में जैसे ये मिलेट जो है सूखते जाएगा इसका पानी, तब हम इसमें पानी डालते जाएंगे धीरे धीरे। गर्म पानी ही हमको डालना है, ठंडा नहीं डालना है। तो देखिए यहाँ पर मिलेट जो है मतलब पानी पूरा सोख लिया है, तो हमारा जो सब्जी है वो अभी पका नहीं है, मिलेट भी हमारा नहीं पका है। तो हम यहाँ पर पानी और ऐड करेंगे। तो गर्म पानी को आप ऐड करते जाइए, कम से कम आपको एक कप अगर मिलेट है तो 10 या 12 कप पानी आप गर्म कर कर रखिए, और उसी पानी को हमको धीरे धीरे डालते रहना है जितना ज़रूरत पड़ेगा। और यहाँ पर मैं अदरक और मिर्ची और धनिया का पेस्ट बनाई थी उसे मैं डाल दी हूँ। यहाँ पर डाल दी हूँ सेंधा नमक और इसे मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप अदरक मिर्ची का पेस्ट डालेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी और स्वादिष्ट आपका मिलेट बनेगा। तो आप भी कोशिश कीजिए कि अदरक मिर्ची और जो धनिया होता है उसे पेस्ट बनाकर डाल दीजिए। फर वाला जो धनिया का दिन है तो फर वाला धनिया डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए यहाँ पर मैं गर्म पानी जो रखी हूँ उसे मैं ऐड कर रही हूँ। तो ठंडा पानी ऐड नहीं करना है, हमें गर्म पानी ऐड करना है। गर्म पानी इसलिए ऐड करना है क्योंकि हमारा जो मिलेट है हम जो पका रहे वो गर्म है, तो गर्म में गर्म ही ऐड किया जाता है, ठंडा नहीं किया जाता। इसलिए यहाँ पर गर्म पानी मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैं हल्दी डाल देती हूँ। बहुत सरल होता है इसे बनाना। कई लोग इसे कुकर में बनाते हैं, पर कुकर में नहीं बनाना है आपको क्योंकि पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाइए या फिर लोहे के बर्तन में बनाइए, तभी आपको इसका बेनिफिट पूरा मिलेगा। और नहीं है तो आप स्टील में बना सकते हैं, पर एल्युमिनियम का बर्तन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी आप यूज़ मत कीजिए, वरना आपको फ़ायदा पूरा नहीं मिलेगा। मिलेट हो या चाहे कोई भी अनाज हो, उसे आप मिट्टी के बर्तन या फिर लोहे का बर्तन में बनाइए। तो देखिए सभी मसाले का कलर अच्छे से आ गया है। तो मैंने यहाँ पर मसाले में डाल दी थी, थोड़ा सा जीरा का पाउडर भी डाल दी थी फ्रेंड्स। चाहे तो आप थोड़ा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो मसाला आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा मिलेट तैयार हो गया है। अब इसे मैं एक बर्तन में ले लेती हूँ, एक प्लेट में, और इसे मैं सर्व करती हूँ। इसे मैं नींबू का अचार के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहे तो किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो ये था हमारी मिलेट की रेसिपी, आई होप आप लोगों को अच्छा होगा लगा होगा। तो ये मिलेट का गंजी या फिर इसे हम दलिया बोलते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।